राम का गुणगान करिए, 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 राम प्रभु की भव्यता का सभ्यता का ध्यान भरिए, ध्यान भरिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भव्यता सभ्यता का राम के गुण गुण चिरंतर, राम के गुण गुण चिरंतर, राम गुण सुमिरन रटन धर, राम के गुण गुण चिरंतर, राम करिए, राम प्रभु की भव्यता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन भूत सुधकर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन भूत सुध मनुजता को कर विभूषित, ए
सगुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म स्वरूप सुंदर सोजन रंजन रूप सुधकर मनुज राजा राम जी सरकार की श्री रामचरित भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री रामचरित भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री रामचरित भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री रामचरित भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती आ यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है 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 नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री रामचरित भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत अतिशय पुनीत यह शांति गीत अतिशय पुनीत यह
यह शांति गीत अतिशय पुनीत, यह शांति गीत अतिशय पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, यह सुख करनी यह दुख हरनी, 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 श्री सिया राम जी की आरती, श्री सिया राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री राम चरित भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने 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 वाला है, आ आ राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री राम चरित भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, राम चरित भगवान श्री राम चरित भगवान
हमारे स्वामी जी मंच पर उपस्थित हैं और व्यास पूजन का भी कार्यक्रम आपने देखा, फिर आरती। अब हम चाहेंगे कि स्वामी जी का व्यास पर विराजमान है उनका माल्यार्पण हमारे इस कथा के जायजमान उनके तरफ से माल्यार्पण है और आप लोग भी ताली बजाकर स्वागत करें हमारे स्वामी जी का। उसके बाद फिर हमारे माननीय मिथिलेश सिंह जी उनके द्वारा भी माल्यार्पण है और फिर हमारे अशोक सिंह मल्डीहा आप भी उपस्थित हो जाएं स्वामी जी के माल्यार्पण में और चंदन सिंह जी और संतोष सिंह जी पिपरा आप भी माल्यार्पण में हैं। आप लोग मीठी ताली मीठी मीठी ताली जरूर बजाएंगे स्वागत करेंगे स्वामी जी का। ताली बजती रहनी चाहिए, ताली बंद मत कीजिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय राम भद्राय रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोविप्रहिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापारम वाराणसी पुरपतिं भजु विश्वनाथम मनोजवं मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। पहुंचा नहीं वहां तक कोई जहां रही है पहुंच तुम्हारी बारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। थोड़ी थोड़ी पीछे जो भैया लोग बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा आगे चले आए, और इधर ये साउंड के कोने में भी कुछ लोग हैं, व्यवस्थावश कुर्सियां लग गई हैं, धीरे धीरे हो सके तो दृश्य में आगे बढ़ जाएं। खाली ही है वो हरा कॉर्पेट जो लगा हुआ है, धीरे धीरे कुछ कुछ लोग जो दृष्टि से ओझल में हैं पढ़ जाएं, खाली हो आगे होके बैठना चाहिए, और फिर जैसे जैसे हो बढ़ती जाएगी श्रोताओं की संख्या, उस संसार से सब लोग स्थान ग्रहण करते जाएंगे, दृष्टि समक्ष में आनंद आता है, सब लोग बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय देखते हैं बिल्कुल अमना समना बैठ गए हैं, आप चले आइए जरा सा विजय बाबू हमारे पास। देखेंगे उस झोला में क्या सब है। चलिए कुछ कुछ कार्यकर्तागण ध्यान देंगे कि जो भक्तजन आते जाएं धीरे धीरे बिठाते चले जाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, विशिष्ट लोगों की भी व्यवस्था बैठने का जरूर करेंगे। आदमी है विजय जी आ रहे हैं। चलिए आशीर्वाद लेकर बैठ जाइए,
ये कलयुग है ना, सब बाबा झोले में खोजता है। हम भी खोज रहे थे कि लेकर फिरार हो जाए। बहुत अच्छा, अपने गुरु प्रभु के चरणों में अगणित बार नमन निवेदित करते हुए अपने इस पावन कोसी प्रक्षेत्र के जन जन का कल्याण करने वाले बाबा वरुणेश्वर नाथ के चरणों में अपनी आत्यंतिक प्रणति निवेदित करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात राम कथा के मूल केंद्र बिंदु भगवान श्री राम के पावन चरणों में के साथ समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं के चरणों में अपनी आत्यंतिक प्रणति निवेदित करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। अपने इस सत्संग कथा भक्ति भजन गंगा के देश में, भारत देश में, बिहार प्रांत में, पूर्णिया जिले के अंतर्गत, बढ़ारा प्रखंड के अंतर्गत इस पावन बाबा वरुणेश्वर नाथ महादेव के इस पवित्र परिसर में, उनके सानिध्य में, उनकी ही कृपा से, उनकी ही दया से इस सिरसिया ग्राम के अलावे आसपास के भी समस्त ग्राम, जो भी ग्राम हैं, समस्त ग्रामों के दूर दराज के भी भक्तजनों की भावना से, उनके तनमंधन के पावन सहयोग से एक साथ श्री महारुद्र यज्ञ और श्री राम कथा यज्ञ के आज के द्वितीय दिवस के पावन कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी स्वामी भानवानंद जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मी पंडित प्रेम शंकर भारती जी, चंद्रकांत जी, यज्ञ को संपादित करने वाले हमारे परमात्मी आचार्य कौशलेंद्र जी, सभी आचार्यगण, सामने बैठे हुए हमारे सभी आत्मी कलाकार बंधुजन, साथ ही साथ इस पावन कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित भाई विजय जी, संतोष जी, इस यज्ञ समिति के हमारे अध्यक्ष, सचिव, सभी पदाधिकारीगण, साथ ही साथ श्रोता दीर्घा में इस गांव नगर क्षेत्र के अलावे भी दूर दराज से आकर के भगवान की सन्निधि में बैठ कर के कथा रस का आनंद लेने वाले, भजन रस का आनंद लेने वाले सभी श्रद्धालु, सभी आत्मी, सभी निष्ठावान भक्तजन, हमारी आदरणीय, वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय, हेमयी, क्षेमयी, करुणामयी, कल्याणमयी, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी, ममतामयी, दयामयी, त्यागमयी माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, इस टेंट कार्य को पूरा करने वाले हमारे भैया, कैमरा में बैठे हुए हमारे आत्मी जन, सब जगह अपनी अपनी सेवा दे रहे हमारे सभी आत्मीजन, साथ ही साथ हमारे सपत्नी के यजमान मुकेश जी। वस्तुतः आज हम आप सब लोग दूसरे दिन कथा में उपस्थित हो रहे हैं। कल शोभा यात्रा के पश्चात मंची उद्घाटन बहुत सुंदर ढंग से संपादित हुआ। आज भी प्रथम चरण में यज्ञ मंडप में अग्नि स्थापन कार्य, फिर हवन कार्य पूरा हुआ, लोगों ने परिक्रमा की। उत्तर चरण में हमारे कलाकारों के भजन के साथ साथ अयोध्या से आए हुए हमारे हरनारायण ब्रह्मचारी जी के भजन का आप सबों ने रसास्वादन किया। फिर उत्तर क्रम में पंडित चंद्रकांत जी के साथ साथ हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी के मुखारवृंद से मानस के
उन भावों का आपने रिस्पॉन्ड किया जो भाव विरल होते हैं, दुर्लभ होते हैं और स्वचिंतन से वो उद्भूत होते हैं। फिर हनुमान चालीसा के पाठ के साथ हम आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि हमारे भाई विजय जी ने बताया था और कुछ कुछ बड़े बुजुर्गों ने, इस बाबा बरनेश्वर नाथ महादेव के पावन दरबार में 50-60 वर्षों से इस तरह का यज्ञ नहीं हुआ था। यज्ञ तो संसार में बहुत होते हैं, होते ही रहते हैं, लेकिन है क्या, कुछ कुछ शास्त्रीय चीज यज्ञ में, उसके साथ साथ कुछ लौकिक चीज, कुछ अन्य चीज़ें आवश्यक हैं। पूर्ण विधि विधान से किया हुआ यज्ञ फलकारक होता है निश्चित रूप से। जैसे नमक जल में मिलाएंगे तो वो खारा अवश्य होगा, चीनी जल में मिलाएंगे वो मीठा अवश्य होगा। जल तत्व तो वही है, वस्तु जो हम आप मिलाते हैं उस अनुरूप उसका स्वाद हो जाता है। इसलिए भगवान को यज्ञ में विधि विधान से कुछ निवेदित करते हैं तो फिर उसका यथार्थ फल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को खिलाने के लिए हम आप बिठा दें और उन्हें पकी अधपकी जली रोटी परोसते हैं, क्या वो खाता है? नहीं। एकाध कोर लोग लेते हैं फिर सोचते हैं यह कैसी रोटी है। वही रोटी लोग ढंग से अगर बना देते हैं विधि व्यवस्था के साथ, बढ़िया सुंदर पका सिद्ध हुआ, तो लोग सूखी रोटी भी बड़े प्रेम से खा लेते हैं। यही बात यज्ञ चीज की है। और ये यज्ञ हमारा आज से नहीं है, आज संपूर्ण दुनिया ने ये स्वीकार कर लिया है कि विश्व के प्रदूषण को दूर करने के लिए अब तक कोई यंत्र नहीं बना, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया कि कोई यंत्र लगा करके प्रदूषण दूर करें। इसलिए कि भारत का प्रदूषण मशीन लगा के हम पाकिस्तान भेज दें, बांग्लादेश भेज दें, नेपाल भेज दें, सिक्किम भेज दें, अमेरिका भेज दें, फ्रांस भेज दें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। यहाँ से अगर वहाँ भेजते हैं तो फिर वो घूमते फिरते भारत चला आता है। पृथ्वी की बनावट ऐसी है और सब लोग एक साथ हैं, इसलिए जो द्रव्य शास्त्रों ने निर्देशित किया है उससे निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन अधिक मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं उठती है। बात सही है कि धुआं जिसमें हो उसे लोग कार्बन मान लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे गाड़ी से निकलने वाली धुआं और चीज़ों से जलने पर धुआं निकलती हैं, लेकिन उसके सामने टायर जला के हम आप नहीं बैठ सकते एक मिनट, गंदी चीज़ों को जला करके हम आप नहीं बैठ सकते, लेकिन यज्ञ धूम के पास हम आप बैठते हैं क्योंकि उसमें घृत है, तिल है, जब है, सबकी निश्चित मात्रा मिली हुई है। शास्त्रों में हजारों प्रकार के हविष्य द्रव्य हैं, एक दो प्रकार के नहीं, समय समय पर यज्ञानुसार उसका उपयोग होता है। इसलिए यज्ञ में जो मंत्र उच्चरित होते हैं वैदिक मंत्र, उस मंत्रों का प्रभाव समाप्त नहीं होता, वातावरण में वो चारों तरफ फैलता है, अच्छा लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को खड़ा करके उसके कान में कहें कि तुमको मार देंगे, ईटा से कपाड़ फोड़ देंगे, वो व्यक्ति सुनना नहीं पसंद करेगा। जब हम आप मंत्र कोई अच्छा शब्द बोलते हैं तो वो सुनना पसंद करता है। निश्चित रूप से ये वैदिक मंत्रों के ध्वनियों का प्रभाव है जो आज भी विद्यमान है। इसीलिए तो अमेरिका के पार्लियामेंट में एक व्यक्ति ने शांति पाठ पढ़ा,
जब अतिशय कोरोना दुष्प्रभावित हुआ था तो देव शांति अंतरिक्ष शांति का पाठ हुआ था, जिसे नेट पर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। फिर साथ ही साथ सबों ने माना, दुनिया के वैज्ञानिकों ने, यज्ञ में एक शक्ति है, किसके धूम से वातावरण शुद्ध हो सकता है, इसलिए विधि विधान से यज्ञ फलदायी होता है। यहाँ भी सबों के पावन सहयोग सद्भावना से परिविधि विधान से कार्य संपादित हो रहा है। फिर उत्तर चरण में हम आप राम कथा सुन रहे हैं। यह राम कथा आगे देखते जाएंगे क्रम में, क्या क्या चीज है उसकी चर्चा हम आप करेंगे क्रम में। वस्तुतः शिव भगवान, शिव भगवान भोलेनाथ और श्री राम दोनों में इस प्रकार की एकता है, आत्मीयता है, कि तीन प्रकार के संबंध गोस्वामी जी मानस में बताते हैं। सेवक स्वामी सखासिय पीके हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सेवक भी हैं, अर्थात राम जी कहते हैं कि मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। शिव जी से जब पूछने के लिए लोग गए तो कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ, और स्वामी हैं तो एक सेवक हुए, एक स्वामी हुए, फिर दूसरे सेवक हुए तो वो स्वामी हुए, और तीसरा संबंध है सखा का, मित्रता का। ये तीनों संबंध प्रभु श्री राम के हैं, इसलिए महारुद्र यज्ञ में भगवान वरुणेश्वर नाथ महादेव के पावन दरबार में यदि राम कथा हो रही है तो कितना सौभाग्य है हमारा, आपका, सबका। इसलिए कि भगवान भोलेनाथ राम कथा के आदि आचार्य हैं, सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं, और पहली श्रोता जगन माता जगदम्बा पार्वती जी हैं। निश्चित रूप से राम कथा प्रिय है, राम शब्द जपना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। चलिए ये पावन कथा का भी आनंद हम आप ले रहे हैं, और धीरे धीरे रस बढ़ता जाएगा। मुझे लग रहा है कि आसपास के तमाम क्षेत्रों से कुछ कुछ ग्रामीण दूरियां हैं, इसलिए लोग कुछ कुछ फसल का भी समय है, कार्य में हैं, लेकिन धीरे धीरे सब लोग जुट रहे हैं और जुटते जाएंगे, और साथ ही साथ आनंद बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। मैंने पूर्व निर्दिष्ट किया था कि सब लोग कल ही परस्पर सेवा भाव में लगे रहेंगे, चूँकि बीच बीच में आज एक लोग दुमका से आए थे। कितनी दूरी है दुमका यहाँ से? बहुत दूर, लेकिन कुछ क्षण सुनने के लिए लोग पहुँचे इस पूर्णिया जिले के अंतर्गत। आज भी सहरसा से लोग सुनने के लिए आ गए, भागलपुर से, अन्य सारे दूर दराज के जिलों से आते जाते रहेंगे। हो सकता है भगवान के पावन जन्मोत्सव में प्रभु श्री राम का औपचारिक जन्मोत्सव, कथा प्रसंग के अनुसार जन्मोत्सव 5 तारीख को हम लोग मनाएंगे, और भगवान का जो यथार्थ जन्मोत्सव है वो 9वीं तिथि को मनाया जाएगा। उस दिन का कुछ कुछ निर्देश कर देंगे, उस दिन का कार्यक्रम दिन में ही लगभग 8-9 से आरंभ होगा। क्रमशः लोग आते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे, जब तक भगवान की इच्छा होगी कथा रस का पान करेंगे, और साथ ही साथ उस दिन इस पावन कथा का विराम भी होगा। चलिए, और विसर्जन के निर्देश हम कर देंगे क्रमशः अंतिम दिन में कि किस प्रकार क्या क्या करना है। चलिए, कथा सुनने के लिए मात्र कुछ क्षण ही आपको रोके हैं विजय जी, फिर चुके कार्य है, देखना है सब जगह, इसलिए कार्यकर्ता समिति के लोग को अधिक देर नहीं रखते। कुछ क्षण चेतावनी में, कुछ बातों में, चुके सारी कार्य व्यवस्था व्यवस्थित आप सबों ने की है,
आनंद लेंगे सब लोग कुछ क्षण, फिर कार्य करेंगे। कथा ये हाथ नहीं सुनता, ये पैर कथा नहीं सुनता, आंख सुनता नहीं है लेकिन देखता है। कर्ण रंध्र के द्वारा, कान के द्वारा हम आप सुनते हैं। सुन के इसको कौन ग्रहण करता है, कौन ऐसा चीज है जो इसको पकड़ने वाला है, इसको ग्रहण करने वाला है, स्वीकार करने वाला है? मन इसको स्वीकार करता है, मन ग्रहण करता है। मन से ही किसी चीज को हम आप पकड़ सकते हैं, मन से ही किसी चीज को हम आप छोड़ भी सकते हैं, प्रत्यक्ष भी पकड़ सकते हैं हाथ, लेकिन मन के द्वारा भी कल्पनाओं से हम आप पकड़ सकते हैं किसी चीज को। इसलिए ये मन बहुत विचित्र चीज है, और कैसा चीज है, मन को कैसे पकड़ा जाता है, किस चीज से, ये सेव है। हम आप देख रहे हैं कि अस्थिर रहने वाला चीज नहीं है, जहाँ छोड़ेंगे घड़का देंगे ये घड़क जाता है। सब लोग देख रहे हैं इस सेव को। यह बेचारा अस्थिर कैसे होता है, कहाँ से होता है, यह स्थिर हो गया। अब वो इधर उधर नहीं घूम सकता, नहीं घड़क सकता है। अर्थात सेव में जिस प्रकार ये चाकू धसा और चाकू ने सेव को पकड़ा है कि सेव ने चाकू को, यह भी भ्रम होता है, लेकिन चाकू के द्वारा ही सेव पकड़ा गया है ना? ये बात सच है। फिर सेव को भी पकड़ना पड़ा है। ठीक उसी प्रकार जीवों के मन में जब भटकाव होता है तो प्रभु नाम का चाकू से वो पकड़ा जाता है। बिना भगवान के नाम के उनके शरण में गए नहीं पकड़ाता। इसलिए कथा सत्संग में प्रभु सभी लोग भगवान के पावन चरित्र का गुणगान करते हुए उनकी नाम की महिमा को बताते हैं। हम आप भी क्रम से उस प्रसंग में चलेंगे और फिर आनंद लेंगे। मन के विषय में कहा गया है, गजेंद्र महंत का ताल याद है, गजेंद्र जी का हम बता देते हैं। लेकर के जो हम बोलेंगे शब्द चौगुण में भाग जाना है, फिर संकेत करेंगे तो चौगुण से फिर अस्थिर हो जाना है, बंद कर देना है, फिर संकेत करेंगे तो सीधे भाग जाना। भटका है बहुत मन माया में, ये मन माया में भटकता रहता है। मन को अस्थिर करने के लिए बिंदु जी बताते हैं कि भटका है बहुत मन माया में, चल हरि से ध्यान लगा लेना, करुणा कर के सबको भज कर यह जीवन शुद्ध बना लेना, करुणा कर को भज कर यह जीवन शुद्ध बना लेना, करुणा करके सब यह जीवन शुद्ध आओ, झूठे झगड़ों को छोड़ जरा, बेखबर नींद से जाग जरा, प्रभु पद से कर अनुराग जरा, प्रभु पद से कर अनुराग जरा,
सत्संग का रंग चढ़ा देना प्रभु पद से कर, जरा सत्संग का रंग चढ़ा देना। सत्संग का रंग चढ़ा देना। और कहते हैं आगे कि यह मनुष्य शरीर कर्ज में मिला है, हम आप भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो फिर हमारा आपका मन संसार में भटकता है। प्रभु को पकड़े रहे तो हर्ज नहीं। कर्ज में नर्तन लिया था उसको तो बिसरा गया, सूद का तो जिक्र क्या है, मूल धन भी खा गया। धर्म की डिग्री हुई अब काल कुर की आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। यदि जमबंधन से बचना है, यदि जमबंधन से बचना है, नरकों में कभी नहीं जाना है, तो झूठी माया रचना है, दिल पर यह ज्ञान बसा लेना। तो झूठी माया झूठी माया रचना है। अपने ही बातों से तुझे कामादिकों ने फंसा लिया, अपनी चालों ने से तुझे कामादिकों ने फंसा लिया, पाप की हुंडी खरीदी श्वास रत्न खो दिया। अब पता तुझको चलेगा अपने उस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। तो दृग बिंदु न व्यर्थ लुटाना, अब खाली करना न खजाना, अब आखिर का सोच ठिकाना, अब आखिर का सोच ठिकाना, अब जो पूंजी बचा बचा लेना। आखिर का सोच ठिकाना कर, जो पूंजी सोच ठिकाना कर, जो पूंजी बचे बचा लेना। भगवान ने जितनी पूंजी सांसों की दी है रोज खपत हो रहा है, छीन हो रहा, एक दिन सारी पूंजी भगवान छीन लेते हैं, ले लेते हैं। इसलिए भगवान का नाम दो बार हम आप सब लोग प्रेम से लें, फिर हम आप कथा गंगा में आनंद लेते चले जाएंगे। राजा श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म अविनाशी, सर्वरहित सब
पुरपुरवासी सर्व रहित सब पुरपुरवासी बोले श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री राम जय राम जय जय राम कलयुग के बल नाम आधारा कलयुग के बल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा बोले श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले राजा राम सरकार की जय सब लोग आनंद लेंगे कहते हैं कल हमने आपने एक श्लोक बालकांड का सुना था सचमुच जो रामचरितमानस लगभग हजारों पृष्ठों में है सानुवाद उस रामचरितमानस को हम आप 9 दिन में सुन रहे हैं नित्य 3-4 घंटे की कथा में बड़ी मुश्किल है जो रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी जी को लगभग 2.5 वर्ष लगे उसे हम आप सुन रहे हैं वैसे तो कुछ विद्वानों ने बताए हैं कि 1 महीने में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा है भारत के चोटी के विद्वान हैं काशी के प्रसिद्ध विद्वान हैं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी और कुछ कुछ लोगों ने लेकिन लगता है कि ये अनुमान गलत लग रहा है आज की तरह कंप्यूटर युग तो नहीं था कि बटन दाबते गए और कंपोज होते गया या फिर लीड कलम और कागज नहीं कि जिस पर तुरंत तुरंत लिखते चले गए निश्चित रूप से उस समय भोजपत्र तालपत्र पत्थरों पर अन्य चीज़ों पर लिखे जाते थे और बड़ी मुश्किल से स्याही प्राचीन काल में लोग बनाते थे भिन्न भिन्न पौधों के रसों से फूलों के रस से चावलों को साल्य को जला करके उससे लोग बनाते थे और फिर खड़ी आदि चीज की लेखनी से लोग लिखते थे कितना समय लगता होगा ये बात सही है इसलिए लगता नहीं है इस बात में कोई बात है बात सही है कि गोस्वामी जी में प्रतिभा इतनी थी कि मास दिन में भी लिख सकते थे लेकिन उस समय की साधन सुविधा तो बड़ी विचित्र थी प्रतिभा की कमी नहीं थी वह रामचरितमानस अमर ग्रंथ है पहले श्लोक में गोस्वामी जी मानस में गणेश जी सरस्वती जी की वंदना करते हैं ये मंगलाचरण में हम आप भी अपने मंगल के लिए जीवन के मंगल के लिए किसी काम में अगर मंगल भाव सोचना हो तो गणेश जी की पूजा उनका स्मरण करते हैं फिर शारदा की यानी देवी सरस्वती की आगे गोस्वामी जी महाराज भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो इस श्लोक में श्रद्धा और विश्वास ये दोनों बड़े विचित्र शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं और दोनों का मिलना आवश्यक है भवानी श्रद्धा का प्रतीक है माता पार्वती और भगवान से विश्वास के प्रतीक है दोनों का सम रहना भी आवश्यक है विश्वास हो श्रद्धा कम हो तो भी फलीभूत नहीं होता अगर विश्वास कम है श्रद्धा भी है
तो भी फलीभूत नहीं होता। इसलिए दोनों का समागम समभाव में होना अच्छा है। श्रद्धा भी पर्याप्त हो जब श्रोता में, विश्वास भी पर्याप्त हो तो बहुत लाभ मिलता है। भवानी शंकर इसी के प्रतिरूप हैं। बिना श्रद्धा विश्वास के, अर्थात माँ पार्वती और शिव के स्मरण के, जीव को अपने अंदर बैठे हुए प्रभु श्री राम का, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। फिर आगे गुरु रूप में शिव की वंदना करते हैं, कहते हैं भगवान शिव को मैं गुरु मान करके, आदि गुरु जगत गुरु मान करके उनकी वंदना करते हैं। फिर आगे के श्लोकों में कविश्वर वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं। आठवें श्लोक में, पांचवें श्लोक में माता सीता की वंदना है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम बल्लभाम, यानी सीता जी की वंदना। फिर आगे राम जी की वंदना है, यन्माया वशवर्त विश्वमखिलम आदि आदि श्लोक है। तात्पर्य है कि पहले नवाह का समापन 9 दिनों में होता है, इसलिए पहले गणेश जी की वंदना, फिर वाणी सरस्वती की वंदना, तीसरे भवानी की वंदना, चौथे शंकर की वंदना, पांचवें शिव रूप गुरु की वंदना, छठे कविश्वर वाल्मीकि की वंदना, सातवें में कपीश्वर हनुमान जी की वंदना, आठवें में भगवती सीता की वंदना और नौवें स्थान पर भगवान श्री राम की वंदना है। 9 संख्या की पूर्णता है, इसलिए नौवें स्थान पर 9 दिनों में, इसलिए मास पारायण होता है। प्रभु श्री राम की पूर्ण कथा 9 दिनों में होती है, भागवत 7 दिनों में होता है, तो प्रसिद्ध है। वैसे 15 दिन भी, 3 दिन भी हो सकते हैं, राम कथा भी पूर्ण कथा है, 3 दिन भी 5 दिन भी हम आप सुन सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए इस क्रम में गोस्वामी जी मानस निर्माण की बात चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस अनेकानेक पुराण वेद उपनिषद शास्त्रों को लेकर के बनाया गया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद सोरठे में क्रमशः गणेश की वंदना है, साथ ही साथ आगे मुख होई बाचाल में भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की वंदना है। मुख होई बाचाल पंगु करे गहे गिरवर गहन जाकी कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दाने दहन, इसमें ईश्वर के निर्गुण निराकार की वंदना है, जिसके विषय में संस्कृत श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम आदि आदि वंदना। फिर आगे भगवान विष्णु की वंदना है, राम भगवान का पावन अवतार जिस स्वरूप का हुआ है उसकी वंदना है। फिर आगे भगवान भोलेनाथ की वंदना है और फिर आगे गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं 5वें सोरठा में। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुवचन रवि कर निकर, कहते हैं गुरु की वंदना की गई है। इसमें लगता है कि बाद में चर्चा बार बार हम करते हैं कि बाद में पाठांतरण हुआ है, चूँकि पहली पंक्ति में हरि है फिर निकर है, मात्रा सब पंक्ति में 3-3 अक्षर के शब्द हैं, सब मात्रा है। गोस्वामी जी ने यहाँ तो स्वीकार किया है कि भगवान शिव आदि गुरु हैं, वंदे शंकर गुरु रूपिनम, आगे भी कई कई संकेत मिलते हैं मानस में। चलिए गोस्वामी जी पहली चौपाई
जो लिखते हैं सबसे पहली चौपाई वो भी गुरु वंदना से, इसलिए कि गुरु तत्व की महत्ता संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं गोस्वामी जी, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बहुत सारे भाव मनुष्यों विद्वानों ने इसके बताए हैं। मूल भाव ये है कि हम आप श्री गुरु तत्व के, श्री गुरु जी के चरण कमल की वंदना जब मानस में करते हैं, स्मरण करते हैं, तो सुरुचि यानी रुचि आदमी की दो होती है और विभाग करने पर अनेक। एक रुचि होती है अच्छी रुचि, बढ़िया रुचि, दूसरी रुचि होती है खराब रुचि। अच्छी रुचि क्या है? हम आप कथा सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, माता पिता की सेवा पूजा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उपकार करते हैं, ये रुचि अच्छी रुचि है। और जब हम आप किसी दूसरे को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये रुचि खराब रुचि हो जाती है, गड़बड़ रुचि हो जाती है। जैसे ठंड में कोई आदमी बैठा हो, उस पर हम आप बर्फ का पानी डाल दें तो फिर कितना कंपन होगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छी रुचि, बढ़िया चीज की रुचि होता है गुरु तत्व के पावन स्मरण से, उनके चरण की वंदना से। और अगला शब्द है सुवास, इसके भी अनेक भाव को ना ले करके सार रूप में हम आप जाने। अर्थ होता है सुंदर वास, वास मन गंध, यानी सुंदर गंध। गुरुचरण का जब हम आप स्मरण करते हैं तो संसार में जो सुगंधिपूर्ण चीज़ें हैं वो ग्रहण की क्षमता बढ़ती है। और जीव सचमुच हमारे आपके सामने अगर दुर्गंध कोई चीज़ हो तो अच्छा नहीं लगता, हम आप नाक बंद कर लेते हैं। इसीलिए दुर्वास, खराब वास अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ों को अच्छा लगता है। वही चीज़ जैसे काग को विष्ठा पसंद है, सुकर आदि को अन्य गंदगी चीज़ें पसंद है, तो इस प्रकार दूसरा वास भी अन्य चीज़ें पसंद है अन्य चीज़ों को। लेकिन हम आप चाहते हैं गुलाब की खुशबू मिले, केवड़े का खुशबू मिले और अच्छी चीज़ें मिले, निश्चित रूप से गुरुचरण कृपा से एक तो वह हुआ प्रकृति में जो वास है, गंध है, उसको ग्रहण करते हैं। और कृपा होती है तो इस सत्संग में भी एक खुशबू है, एक सुवास है, भजन में भी एक खुशबू है, एक सुवास है, जिसे हम आप ग्रहण करते हैं। और यह ग्रहण नाक से नहीं होता, भौतिक पदार्थों के सुंदर वास का ग्रहण हम आप नाक से करते हैं। लेकिन इसमें भी जो खुशबू है, सुगंधी है, इसका ग्रहण हम आप सब लोग कान से करते हैं, अपने मन चित्त बुद्धि से करते हैं। इसलिए सुरुचि सुवास सरस अनुराग, आगे रस है, रस के भी अनेक भेदाभेद हैं, खाने पीने में 6 रस, साहित्य में 9 रस आदि आदि चीज़ें, उधर न जा करके। सीधा है कि जिसके जीवन में भक्ति का रस, सत्संग का रस चढ़ गया हो वो अच्छी चीज़ है, और जिसके जीवन में माया का रस, जागतिक रस चढ़ गया हो तो फिर वो विकृत हो जाता है। इसलिए जीवन में भक्ति रस, सत्संग का रस, भगवत प्रेम रस, भजन का रस, ये गुरु कृपा से जीव को प्राप्त होता है।
गोस्वामी जी इस प्रकार कई कई पदों में भिन्न भिन्न भावों में गुरु वंदना करते हैं और प्रत्येक पंक्तियों की ओर न जा कर के हम बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि दलन मोहतम सोस प्रकाशु, दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आबई जासु, बड़े भाग उर आबई गुरु के चरण नख का ध्यान जीव के लिए लाभकारी होता है, सारे मोह का वो दलन करता है और जीवों के अंतरात्मा में प्रकाश की उपलब्धि होती है। इस प्रकार गुरु की वंदना विविध पदों में करते हुए गोस्वामी जी ने विप्र की वंदना की है, बंदो प्रथम मही सुर चरना। इस प्रकार उनकी वंदना करते हुए फिर आगे गोस्वामी जी साधु की वंदना करते हैं, साधु संत के कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। तात्पर्य है कि साधुओं का चरित्र निरस भी है, कपास की तरह, किसकी तरह, कपास की तरह, कपास में रुई निकलती है उसमें कोई रस नहीं है, जल तत्व तो नहीं रहता है, लेकिन वही इतना सा कपास जब हम एक पतली धागा का निर्माण उससे करते हैं, खींचते हैं, बनाते हैं, तो इतने कपास में कितनी लंबी धागा बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि निरस है लेकिन वो विशद है, वो तुरंत विशद हो जाता है। दूसरा भाव कि निरस एक तो बिना रस का हुआ, दूसरा भाव कहते हैं निशेष रसम यानी परिपूर्ण रस, संपूर्ण रस उसमें है। साधुओं का चरित्र भी वैसा ही होता है। ये गोस्वामी जी साधु की वंदना में करते हुए संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है और इसलिए जैसे हम आप प्रयाग स्नान के लिए जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग है, तो वहाँ जाकर के स्नान करते हैं तो हम आप पवित्र होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधु समाज चलता फिरता तीर्थराज है और उस तीर्थराज में स्नान करने पर जो फल जीव को प्राप्त होता है, साधुओं के साथ सत्संग करने में वही फल जीव को प्राप्त होता है, ये महिमा है। कहते हैं जो जग जंगम तीर्थ राजू। इस प्रकार से साधुओं की वंदना विविध भावों में करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग की पावन वंदना करते हैं कि इसकी क्या महिमा है। सुनिया चरज करे जनी सोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। कहते हैं कि सत्संग की महिमा सुनकर के लोगों को आश्चर्य लगता है और सत्संग की महिमा इतनी व्याप्त है कि काकभुसुंडी जी से सत्संग सुना गरुड़ जी ने, इनकी इतनी महिमा है सत्संग की कि कहा नहीं जाए। मानस में 12 श्रोता वक्ता हैं जिनमें 4 प्रसिद्ध हैं, वैसे राम कथा में तो सैकड़ों श्रोता वक्ता हैं, हजारों श्रोता वक्ता हैं, लेकिन मानस में प्रमुख 4 हैं, शिव पार्वती एक घाट पर
दूसरे घाट पर भरद्वाज जी, याज्ञवल्क जी, यानी याज्ञवल्क जी कथा कहते, भरद्वाज जी सुनते हैं। तीसरे घाट पर काकभूसुंडी जी कथा कहते हैं, गरुर जी सुनते हैं। चौथे घाट पर गोस्वामी जी कथा कहते और श्रोता समाज सुनते हैं। शिव पार्वती जी देवता हैं, भरद्वाज याज्ञवल्क जी मुनि हैं। देवलोक में भी ये कथा होती है, मुनि लोक में भी होती है। पक्षियों का गमन वायु मार्ग में होता है, वायवी क्षेत्र में रहने वाले पक्षीराज गरुर जी अधम काकभूसुंडी जी से कथा सुनते हैं, यानी वायु लोक में भी ये कथा होती है। गोस्वामी जी भूलोक में कथा करते हैं, इसलिए सब जगह एक वक्ता श्रोता है। और गोस्वामी जी जब कथा कहते तो वो गौ घाट है, उसमें अनेकों श्रोता आनंद लेते हैं, लाभ लेते हैं। ये चौथे घाट पर गोस्वामी जी की चर्चा आती है। तो चलिए, इस प्रकार सत्संग का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संग के लाभ से हमने आपने देखा, सत्संग का तिरस्कार बढ़ेंगे। सती ने किया, प्रभु श्री राम जी का भी अपमान किया उनके सत्संग का, तो उनका नाश हुआ। फिर पार्वती रूप में लेकर के सत्संग प्राप्त करती हैं। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और भगवान की पावन कृपा के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। और कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसे न जबरदस्ती लिया सकता, न अन्य कोई भाव से भगवान की कृपा होती, तभी जीवों को सत्संग मिलता है। आज बाबा वरुणेश्वर नाथ की कृपा मिली तो इस क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं को सत्संग का पावन लाभ मिला है। गोस्वामी जी वंदना करते करते खल की वंदना करते हैं, अर्थात जो प्रयास करते हैं, शत्रु की वंदना, दुश्मन की वंदना। दुश्मन की वंदना जल्दी कोई नहीं करते, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बदला लें, जल्दी से जल्दी परेशान करें, ये विपरीत भावना रहती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, उनकी भी वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और कहते हैं, बहुरी बंद खलगन सत भाए, जे बिनु काज दाहिने आए। अर्थात उनकी भी वंदना इसलिए करते हैं कि भैया आप जितना समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वही काफ़ी है, उसी को समझिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी विविध वंदना करते हैं, खल की भी वंदना करते हैं, संत की वंदना करते हैं। ये गोस्वामी जी के इस मानस के निर्माण में लगभग ऐसे कोई देव नहीं जिनकी वंदना ना हो। सामासिक रूप में ऐसे कोई ऋषि नहीं है जिनकी वंदना ना हुई हो। साथ ही साथ महाराज दशरथ के पूरे परिवार की वंदना, प्रत्यक्ष उनके परिकर की वंदना, सारी वंदना मानस में है। और वंदना इसलिए गोस्वामी जी करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम वंदन, ये भक्ति है भगवान की। नवधा भक्ति में तीसरी भक्ति कहते हैं, श्रवण कीर्तन वंदन दासता, स्मरण आत्मनिवेदन अर्चना सहित सख्य तथा पद सेवना निगदिता नवधा प्रभु भक्ति है। ये नौ भक्ति में तीसरी भक्ति श्रवण वंदन है। और जीव जब अपने आर्त भाव से पुकारे भगवान को, किसी चीज को, और उनकी स्तुति करे, उनकी बिरुदावली गाए, उनके विशेष गुणों का बखान करे और उनकी कृपा की अनुभूति करे, मूल रूप से यही वंदन तत्व है। इसलिए गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं।
इस क्रम में संत की वंदना करते संत की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदाऊं संत असजन चरना बंदाऊं संत असजन चरना बंदाऊं संत दुख प्रद उभय बीच कछुवर ना दुख प्रद उभय बीच कछुवर ना बिछुरत एक प्राण हरि ले ही मिलत एक दा तुम दुख देही बंदाऊं संत असजन चरना बंदाऊं संत असजन चरना कहते हैं अंतर क्या है संत की असंत की दोनों की वंदना करते हैं दोनों में अंतर क्या है जब अपने लोग नज़दीकी लोग प्रिय लोग बिछुड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि लगता है दुष्ट लोग मिलते हैं जीवन में मार्ग में कहीं तो लगता है कि मिलत एक दारुण दुख देही वो अत्यंत कठोर कष्ट देगा। इस क्रम में संत संत की वंदना करते हैं दोनों में अंतर भी गोस्वामी जी बड़े सरल शब्दों में बताते हैं। आगे संसार की रचना का वर्णन है। कभी कभी लोग घबराते हैं कि संसार में दुख है ही क्यों, भगवान यदि इतने शक्ति सर्वशक्तिमान हैं सब कुछ भगवान के पास है तो भगवान ने दुख को बनाया क्यों, इस संसार में भगवान ने दुख को भेजा क्यों। आगे भी हम आप देखेंगे कि केवल दुख ही नहीं सुख भी है दुख भी है इस संसार में, सारे के सारे चीज़ें हैं, पर्वत भी है तो खाई भी है। एक गुण से संसार नहीं बना नहीं बनता, इसलिए सारे द्वंद्व संसार में है। और गोस्वामी जी उस द्वंद्व की बखूबी चर्चा करते हैं और इसे विधाता का प्रपंच कहते हैं। जैसे सुख दुख पाप पुण्य दोनों द्वंद्व हैं, दिन रात दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, साधु असाधु दोनों विपरीत हैं, दानव देव दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इसलिए तो दानव की भी रचना भगवान ने की, देव की भी रचना, ऊंचे नीचे की रचना, अमृत विष की रचना, पर्वत खाई की रचना, भिन्न भिन्न द्वंद्वों की रचना गोस्वामी जी करते हैं, माया जीव की रचना, साथ ही साथ अन्य तीर्थ के स्वर्ग में ले जाने वाले तीर्थ की रचना, नरक में ले जाने वाले तीर्थ की रचना, सारी रचना भगवान द्वंद्व में करते हैं। यदि व्यक्ति को जीवन में केवल सुख ही सुख मिल जाए या मिलता है तो जीव फिर ईश्वर को भूलने लगता है, और जीव ईश्वर को भूलने लगता है तात्पर्य है जीव उस संसार में लग जाता है। दुख भगवान इसलिए देते हैं कि जीव ईश्वर को भूले नहीं। अर्थात हमने आपने देखा कि विगत महामारी के युग में भी जब कोई सहारा नहीं होता था तो भगवान का लोग स्मरण करते थे, वो सहारा था। बाद में अनेकानेक थेरेपी निकली कि भगवान का भजन सुमिरन कीजिए, उससे आत्मशक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सारी की सारी चीज़ें हम आप सुने। इसलिए ये द्वंद्व संसार में है, लाभ हानि सारी की सारी चीज़ें, हमको आपको इसी द्वंद्व में रहना है और आगे बढ़ते रहना है।
भगवान सुख भी दें। कुंती ने भगवान से दुख मांगा था कि आप मुझे दुख दें जिससे हम आपको भूले नहीं हे प्रभु, इसलिए दुख भी आए तो जीव को घबराना नहीं चाहिए। भगवान उस माध्यम से परीक्षा लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें रचना भगवान की हैं। भगवान आगे समस्त जीव की वंदना करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सभी भगवान की पावन लीला है। जड़ चेतन जीव जितने भी हैं सब भगवान का स्वरूप है, और भगवान का स्वरूप मान करके गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गोस्वामी जी जैसे उद्भट विद्वान भी बड़ी विनम्रता का परिचय, दीनता का परिचय देते हैं। निश्चित रूप से विद्या ज्ञान में विनयता, विद्या ददाति विनयम, विनया द्याति पात्रताम, पात्रत्वा धनम मापनोति धना धर्मा तथा सुखम। गोस्वामी जी अपनी विनम्रता जाहिर करते हुए कहते हैं कि जानी कृपा कर किं कर्म हो, सब विधि करहु छाड़ी छल छो हो। और कहते हैं निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही, अपनी बुद्धि का मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए सबकी वंदना गोस्वामी जी कहते हैं। आगे विविध वंदना करते हुए गोस्वामी जी राम काव्य की वंदना करते हैं। कहते हैं कि हम कवि भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं, कवि न हो ही नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कभी कभी कुछ ज्ञान गुण प्राप्त होता है तो कभी कभी जीवों में अहंकार भी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं न कवि हूँ, न बचन में प्रवीण हूँ, कुछ भी मैं नहीं हूँ, और ये सारी रचना भगवान की कृपा से हुई है। निश्चित रूप से हमने यह पावन ग्रंथ लिखा है, इसमें रामचरितमानस में और कुछ नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें और कुछ नहीं है। गोस्वामी जी से भक्तों ने पूछा कि आखिर कुछ तो है, बोले बस एक चीज है इसमें, एही महारघुपति नाम उदारा। बोले इसमें केवल रघुनाथ जी का नाम है, भगवान का नाम है और कुछ नहीं है। बोले ये नाम कैसा है, तो अति पावन पुराण श्रुति सारा, कि ये नाम पुराणों में श्रुतियों में वेदों में प्रसिद्ध है, यानी समस्त मानस का केंद्र प्रभु श्री राम का नाम है। चलिए एक छोटा सा भजन का आनंद हम ले माधव जी से, फिर हम आप धीरे धीरे कुछ कुछ बढ़ते चले जाएंगे। राम सुमिर के रहम करे ना, वो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के करम करे ना, यूं जग से जाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, वो कैसे
सुख पाएगा। कृष्ण सुमेर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। ये संसार कर्म की खेती, जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, प्रेम प्यार से सींच ले जीवन। ये अवसर फिर ना आए, ये अवसर फिर ना आए। चार दिनों का जीवन है ये, ठोकर खाएगा। चार दिनों का जीवन है ये, यूं ही ठोकर
शरण गए बिन जाप है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा। शरण गए बिन जाप है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा। जन्म मरण की आस न छूटे, रहे दुखों से नित घेरा, रहे दुखों से नित घेरा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, वो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के करम करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के करम करे ना, तुम्हें जग से जाएगा, तुम्हें जग से जाएगा, तुम्हें जग से जाएगा। बोले राजा राम जी सरकार की जय। भाव अपने इस भजन में लिया, ग्रहण किया। भगवान का सुमिरन कैसा होता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का पावन नाम, भगवान की कथा मानव जीवन के सकल मंगल को, अमंगल को नष्ट करके मंगल करती है। कैसे? उदाहरण सहित गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई हैं सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। कैसे भगवान की मंगल कथा है? अपावन को पावन करने वाली, सारे कलिकाल के पापों को दूर करने वाली। अंतिम पंक्ति में इसका निष्कर्ष है, बीच में भी दोनों पंक्तियों में बड़ी सारगर्भित भाव गोस्वामी जी रखते हैं, अंतिम पंक्ति उसमें दृष्टिकूट छिपा हुआ है। उन अर्थों की नौर जा करके सार रूप में, जैसे भगवान भोलेनाथ के समूचे अंग में श्मशान का राख होता है, लगाया हुआ, लपेटा हुआ, और उन्हीं भगवान की जटा से पावन गंगा निकलती है। उस गंगा को हम आप पवित्र मानते हैं, उसमें स्नान करते हैं, फिर भगवान शरीर के अंग में पूरा राख है, श्मशान का, चिता का, फिर भी हम आप उनका स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। तो जिस प्रकार वो राख अपवित्र रहते हुए भी कोई अपना असर नहीं डालता है, उसी प्रकार भगवान का भी जो पावन नाम है वो सारे अमंगलों को दूर करके सबों का, जीवों का मंगल करते हैं। और कहते हैं कि यह कहाँ शोभित होता है भगवान की कथा नाम,
सब जगह नहीं होता। संसार में तीन चीजें प्रसिद्ध हैं, एक तो मनी, दूसरा मानिक और तीसरा मुक्ता। मनी भी कोई मशीन नहीं बना सकता, कोई कंपनियां नहीं बना सकती, मानिक की भी नहीं और मुक्ता भी नहीं। वैसे आजकल तो बहुत सारी नकली चीजें प्रोडक्ट होने लगी दुनिया भर में, तमाम खाद्य वस्तुएं नकली की यानी डुप्लीकेट निर्माण होने लगा। उस निर्माण में चाइना सबसे आगे है। दुनिया के तमाम देश नकली चीज़ों को बना करके उसे भेजते हैं हर जगह, गेहूं, चावल आदि चीज, अन्य वस्तुएं और खाद्य वस्तुएं जो है, यहाँ तक वो भी जैसे नाम बता दें, अंडा भी जिसे लोग समझ सकते नहीं बना सकता, लेकिन वहाँ की मशीनों में मशीनों के ही हिसाब से तैयार होता है, उसमें भी सल्क उजला, सब कुछ उजला देखने में लगता है। यानी नकली चीज़ें पहनने, ओढ़ने, लगाने, खाने के लिए अधिकाधिक चीज़, लोग प्रसन्न होते हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, लेकिन मेड इन इंडिया श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होता है। तो कहते हैं कि इतनी नकली चीज़ें बनने लगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें विधाता ने ऐसा किया है कि वो जिनको पावर दिया है वही बना सकते। जैसे मधु, मधुमक्खी ही बना सकती है। वैसे अब तो एक किलो मधु में दो चार पाँच किलो चीनी का सिरवा डाल करके मधु बढ़ जाता है, जैसे दूध में जल देने पर, तो ठीक उसी प्रकार। लेकिन कहते हैं गोस्वामी जी, उदाहरण देते हैं, मनी मानिक गुप मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन वैसी। कहते हैं कि मनी कहाँ मिलता है, तो अहि यानी सांप के पास, सांप के मस्तिष्क में मनी का निर्माण होता है अपने आप, और जब निर्माण होता है बिल्कुल प्रौढ़ावस्था में, और उस मनी की खासियत क्या है कि जहाँ वो मनी रहता वहाँ अनेकानेक वस्तुओं का आधान स्वयं होता है। उसकी सबसे बड़ी पहली विशेषता है, किसी अंधेरी रात में कहीं उस मनी को रख दें तो प्रकाश देता रहता है अपने आप, हल्के नीले पीले रंगों का प्रकाश मनी प्रदान करता रहता है, और कितना भी आंधी तूफान हो वो मनी बुझता नहीं। साथ ही साथ बहुत बेशकीमती मनी होता है, तो कहते हैं वो सब जगह शोभा नहीं पाती, रहता तो है सर्प के मस्तक में लेकिन वहाँ उतनी शोभा उसकी नहीं है। फिर आगे कहते हैं, मानिक कहाँ मिलता है, तो गिरी पर, पर्वत पर, लेकिन पर्वत पर भी उसकी शोभा नहीं होती है। फिर मुक्ता कहाँ मिलता है, हाथी के मस्तिष्क में, जिस हाथी को मुक्ता हो जाता है गज मुक्ता, वो हाथी मदमत्त तो हो जाता है। जिसे मुक्ता होता है, जिस हाथी के मस्तक में भौरों के समूह झुंड के झुंड आकर के उस हाथी के मस्तक पर बैठते हैं, और मधु जैसा रस, मदरस उससे निकलता है जिसे हाथी के मस्तिष्क से, जिसे वो भौरे पिया करते हैं। तो गजमुक्ता भी, इतना गजमुक्ता कीमती है, फिर भी वो शोभित वहाँ उतना नहीं होता है। तो कहते हैं कहाँ शोभित होता है ये रत्न, तो राजाओं के मस्तिष्क पर, मुकुट में, भगवान के मुकुट में, प्रभु श्री राम के मुकुट में जब शोभित होता है। साथ ही साथ गोस्वामी जी ने उस क्रम में चर्चा की है कि वह वनिताओं के भी पास रह करके सुशोभित होता है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने इन तीनों चीज़ों को बताया, यानी इसका सांप्रतिक भाव है, गोस्वामी जी के भाव
को लेते हुए रखते हुए कि राम नाम का मणि मानस में है, राम नाम का मणि मानस में है, लेकिन इस मणि को कहाँ रखें जो शोभित है, मानस में तो है ही। गोस्वामी जी ही कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। राम नाम का मणि देहरी द्वार, जिह्वा के अग्रभाग में रखते हैं जिससे अंदर भी प्रकाशित होता है, आगे भी उच्चारण करते तो जिह्वा का अगला भाग हिलता है, इसलिए गोस्वामी जी ये संकेत करते हैं ये राम नाम माणिक्य है और रामचरितमानस पर्वत है, लेकिन वहाँ शोभा न देते, जब भक्त इसे अपने अंतरंग में धारण करता तो अधिक शोभित होता है। वैसे ही मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, गज मुक्ता भी मानस गज स्वरूप में है और इसका मुक्ता मणि प्रभु का नाम है, उसे धारण करते तो लाभ होता है। कहते हैं कि जो कभी भगवान के नाम का गुणगान बखान नहीं करते, माता सरस्वती भी वहाँ पछताती है, माता सरस्वती भी सिर धुनती है, रोती है, भगति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। और जब सरस्वती विधाता के भवन को छोड़ करके आती तो उनका थकान परिश्रम दूर नहीं होता, कब तक दूर नहीं होता, जो जब तक रामचरित के भगवान के पावन चरित्र के सरोवर में वो स्नान नहीं करती माता शारदा। इसलिए कहते हैं रामचरित सर बिनु अनवाए, असो श्रम जाय न कोटि उपाय। तात्पर्य है माता शारदा भी जो बुद्धि की विद्या की अधिष्ठात्री है वो भी भगवान श्री राम की शरण में आती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उपमा उपमान गोस्वामी जी देते हुए, उपमाओं में भी गोस्वामी जी भिन्न भिन्न उपमा देते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना, कि हृदय को, ये हृदय समुद्र है और इसमें मति बुद्धि रूपी सितुआ है, और साथ ही साथ कहते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा, भगवती शारदा स्वाति का बुंद है, और जब स्वाति का बुंद यानी ज्ञान का बिंद, भगवान के नाम की महिमा का बुंद आकर के बसता है मन में, हृदय रूपी सीप, हृदय में जो सीप है बुद्धि का, तो राम नाम का मोती वहाँ प्राप्त होता है। गोस्वामी जी भिन्न भिन्न वंदना इस क्रम में करते हुए कलिकाल के लोगों के लिए भी उन्होंने वंदना की है कि संसार में बहुत सारे लोग वेद मार्ग को, वैदिक मार्ग को, सनातन मार्ग को छोड़ करके दूसरे किसी मार्गों पर चलना पसंद करते हैं, चल देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज यहाँ सावधान करते हैं बड़े अच्छे भावों में, शब्दों में, आ आ चले कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कले भर कलिमल भाड़े। यानी गलत रास्ते पर, कुपंथ पर नहीं चलना चाहिए, सत्य रास्ता वेद मार्ग है, सनातन मार्ग है, ऐसा संकेत गोस्वामी जी मानस में करते हैं। और कहते हैं अंत में गिनाते हैं गोस्वामी जी लोगों के भावों को समझने के लिए कि उनमें मैं सर्वप्रथम हूँ, तिनमा प्रथम रेख जग मोरी,
धींग धरज धर्म ध्वज धंधक दोरी। ये गोस्वामी जी अपनी भावना रखते हैं, अपनी विनम्रता दिखाते हैं। कैसे लोगों में कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा, तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरु मोल। ऐसे ही महापुरुष लोग होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी इन वंदना करते हुए भगवान के विश्वरूपता की वंदना करते हैं कि भगवान आखिर हैं कहाँ। व्यापक विश्वरूप भगवाना, यानी विश्व ही भगवान है, संपूर्ण विश्व मान लीजिए कि भगवान का ये शरीर है। जैसे हाथ पांव आदि सारे के सारे चीज शरीर में हैं, उसी प्रकार ये भगवान विश्व में है, पांच तत्वों से बना है संपूर्ण विश्व, पंच महाभूतों से, और उन पंच महाभूतों में क्या सब हैं, भूमि, भूमि, आकाश यानी गगन। भगवान शब्द में भी पांच शब्द हैं, भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, आ में जो औ छिपा हुआ है उससे अग्नि, और नौ से नीर। इन पंच महाभूतों से ये संपूर्ण विश्व बना है और भगवान इन पंच महाभूतों में समाये हुए हैं। इसलिए भगवान का एक ये विराट रूप है, सूक्ष्म रूप भी है, जिसे जीव हम आप नहीं देखते, यानी कनकन में जो व्याप्त हैं उसे आँख से कैसे देख सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान थोड़े हैं, पत्थर में भगवान थोड़े हैं, कहते हैं वहाँ भी भगवान है, छोटे रूपों में। संत कबीर जी के बहुत सारे दोहों को लोगों ने बड़े विकृत अर्थों में ले लिया है। जो तिल माही तेल है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कि भगवान कहते हैं संत कबीर कि तेरा साई तुझ में हृदय में विराजमान है, और हृदय के साथ भी जैसे पत्थर में अग्नि है, यानी वो दिखाई नहीं पड़ता, तो भगवान भी संपूर्ण वातावरण में इस प्रकार है, दिखाई नहीं पड़ती। जब सब जगह हैं तो पत्थर में भी हैं, वहाँ भी भगवान का वह स्वरूप विराजमान है, यही सनातन की मान्यता है। और संत कबीर जी ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन प्रायः लोग इसके विपरीत अर्थों में चले जाते और ऐसे अर्थ करते हैं कि भगवान कहीं इधर उधर थोड़े हैं। जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग है, उसी प्रकार भगवान हृदय में है। अर्थ है, तात्पर्य है कि चकमक में एक जगह आग तो नहीं है, पूरे पत्थर में है। ऐसे ही संत कबीर के भावों को समझना बड़ी ऊंची बात है। उनके बहुत सारे दोहों का अर्थ बड़े विकृत रूपों में लोगों ने लिया है। चलिए गोस्वामी जी की सुंदर वंदना भगवान के विश्वरूप की, और भगवान जीवों पर कृपा के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। हम आप जानेंगे कि भगवान का अवतार कैसे होता है, या भगवान की सत्ता किसके लिए है। सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के कल्याण के लिए, हित के लिए। और साथ ही साथ आगे गोस्वामी जी वंदना करते हैं कवियों की वंदना, यानी संसार में सभी जो भी भगवान श्री राम की चर्चा करते हैं ऐसे कवियों की वंदना करते हैं। उनमें एक पंक्ति है,
व्यास आदि कवि पूंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। मानस में व्यास जी भी एक वक्ता है। इस प्रकार जो 12 वक्ता मैंने चर्चा की है उनमें अगस्त जी भी हैं, साथ ही साथ अन्य और अनेक प्रासंगिक वक्ता हैं, नारद जी भी हैं। भगवान के पावन चरित्र में जितने कवि हैं उनकी वंदना गोस्वामी जी करते हुए, साथ ही साथ आगे भगवान इस क्रम में महर्षि वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं कि वाल्मीकि जी को श्रेय है कि सबसे पहला आदि काव्य वाल्मीकि रामायण लिखने का और राम कथा को संग्रथित करने का। हनुमान जी ने भी राम कथा लिखी थी, लेकिन जब पता चला तो वो राम कथा वाल्मीकि जी से भी कई गुना विस्तृत थी। जब पता चला तो वाल्मीकि जी ने भगवान से प्रार्थना की हनुमान जी महाराज से कि प्रभु, वैसे वाल्मीकि जी ने तो राम के पूर्व ही उसकी रचना की थी, प्रभु के अवतार के प्राकट्य के पूर्व, और वो रचना रखी हुई थी। हनुमान जी महाराज ने जब रचना लिखी लगभग लाख श्लोकों में, वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, तो फिर वाल्मीकि जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप तो भगवान के ऐसे प्रिय हैं कि जब प्रभु का स्मरण करेंगे तो आपका भी स्मरण हो जाएगा। वो रचना हनुमान जी ने समुद्र में डाल दी और वाल्मीकि जी की रचना का प्रचार हुआ। उसके बाद से रामकथा के अनेकानेक ग्रंथ आए। कहते हैं आगे वाल्मीकि जी ही गोस्वामी जी तुलसीदास जी हुए, कलि कुटिल कुचाली जीव हित के निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास जी ने कहा है कि वाल्मीकि जी का अवतार गोस्वामी जी के रूप में हुआ। तो ये इनकी वंदना, चारों वेद की वंदना, ब्रह्मा की वंदना करते हैं, गंगा नदी की वंदना करते हैं, सारे देवताओं की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, एक देवता नहीं। कभी कभी लोग असमंजस में पड़ते हैं कि हम किस भगवान को पूजें, किसकी सेवा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जिसे संकेत है कहीं कहीं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारे देवी देवता एक ही है, एक ही साधे। तात्पर्य है सबको एक में मिला करके अगर विविध भाव उपासना में है तो खराब नहीं है, उसे हम आप संग्रथित करें, एकत्रित करें, अपने मन में सबको जगह दें। ये विशेष भाव गोस्वामी जी बड़ा अच्छा संकेत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम राम को भजते हैं, शिव जी उपास नहीं हैं, कुछ शिव के भक्त ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कृष्ण के भक्त होते तो शक्ति को नहीं मानते। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सबका समाधान किया है और कहते हैं विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदों सकल कर जोर, ग्रह आदि की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। ये विशेषता मानस की है, सारे चीज़ों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी दशरथ के साथ साथ पहले माता कौशल्या की वंदना करते हैं। और इस क्रम में गोस्वामी जी ने एक संकेत मानस में दिया है, बंदों कौशल्या दिशि प्राची। माता कौशल्या महाराज दशरथ उत्तर दिशा है, माता कौशल्या दिशि प्राची पूर्व दिशा है, माता कैकेयी दक्षिण दिशा में है और माता सुमित्रा पश्चिम है और महाराज दशरथ उत्तर दिशा में है, यानी उत्तर दिशा के प्रतीक महाराज दशरथ हैं। चारों दिशाओं का रूपक गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भावों में रखा है, बंदों को कौशल्या दिशि प्राची कह करके संकेत किया है, लेकिन भाव यही है। आगे इस भाव को जोड़ते हैं कि ये चतुष्कोण कैसे बना है। तो दशरथ राव सहित सब रानी सकल सुमंगल मूरति खानी। दशरथ के साथ सभी रानियों की चर्चा नाम न लेते हुए
मानो गोस्वामी जी ने ऐसा ही संकेत दिया है। और आगे अवध के महाराज की वंदना करते हुए, अवध नरेश की वंदना करते हुए, बंदो अवध भुवाल, उनकी वंदना इसलिए कहते हैं कि भगवान से बिछुड़ने के बाद, भगवान से बिछुड़ने के बाद, अलग होने के बाद महाराज दशरथ ने कैसे शरीर छोड़ दिया कि प्रियतनु त्रिन इब परिहरेउ बिछुरत दीन दयाल। भगवान बिछुड़ते तो जैसे तिनका झड़ता है किसी चीज से सूख करके, ठीक उसी प्रकार तृण की तरह, घास के सूखे घास की तरह शरीर छोड़ देते महाराज दशरथ। भगवान की प्रियता उन्हें पसंद है। आगे गोस्वामी जी माता सीता की वंदना, माता सीता के पिता की वंदना करते हैं। बंदो परिजन सहित विदेहु, समस्त मिथिला क्षेत्र के, अपने इस पावन मिथिला क्षेत्र की सभी वंदना, सबों की वंदना करते हैं। आगे की पंक्ति में कुछ विलक्षणता है रामायण में। हम आप थोड़ी थोड़ी देर उन्हीं शब्दों को देखेंगे और कुछ क्षण में ही फिर कार्य का विराम, समयानुसार हम आप आनंद लेते चले जाएंगे। कुछ विलक्षणता, कुछ क्षण में आनंद लें, फिर हम आप सब लोग आनंद लेंगे भजन का, आरती का, सारी चीज का। जब गोस्वामी जी चारों भाइयों की वंदना करने लगे हैं, आगे कहते हैं प्रणवो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। यहाँ भरत के चरना कह दिया गया है। भरत के चरणों की उपमा और किसी चीज से नहीं की गई है, किसी चीज से नहीं। क्यों, आगे हम आप जानेंगे इसी क्रम में। भरत जी के वंदना के बाद गोस्वामी जी महाराज लक्ष्मण के चरण की वंदना करते हैं। कहते हैं बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता, जल जात मने कमल, यानी लक्ष्मण के चरणों की तुलना कमल से करते हैं गोस्वामी जी। आगे कहते हैं इस क्रम में कि रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न के चरणों की भी वंदना करते हैं, उसकी भी उपमा कमल से गोस्वामी जी देते हैं। उनका भी चरण जो है कमल के समान है। दो शख्स ऐसे हैं जिनके उपमा में कमल नहीं है। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी की वंदना करते वहाँ भी उपमा नहीं देते हैं, चूंकि ये दोनों तो महाभाग हैं। आगे के क्रम में वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति चरण उपासक जीते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदो पद सरोज सब केरे। यहाँ भी सरोज शब्द है, यानी कमल शब्द है, कि भगवान के जो भक्त हैं उनके भी चरणों की उपमा कमल से गोस्वामी जी देते हैं। इस क्रम में जब हम आप आगे बढ़ते हैं, कहते हैं प्रसिद्ध मंत्र है मानस का कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल नमाओ। उनके चरणों की उपमा भी कमल से गोस्वामी जी देते हैं। जानकी जी के चरणों की उपमा
फिर प्रभु श्री राम जी के चरणों की उपमा करते हैं, कहते हैं पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। भगवान राम के चरण भी कमल के समान हैं, लेकिन ये उपमा गोस्वामी जी का प्रयोग ठीक है, अर्थ कभी कभी लोग भ्रमित उपमा लगाते हैं। जैसे कमल तो बाद बना है, भगवान के चरण तो पहले हैं। कभी कभी आँखों की उपमा लोग कमल से देते हैं, कमल की उत्पत्ति तो भगवान के बाद है। आचार्य परंपरा में, वैष्णव परंपरा में इस उपमा को, इस प्रकार के भाव को निरर्थक व्यर्थ माना जाता है। वहाँ भाव आता है कि भगवान के जैसे आँख हैं, कमल की पंखुरियाँ भी वैसी हैं। चूँकि पहले तो भगवान के आँख हैं, उनके चरण हैं, ये भाव उपमा उपमेय में दिया जाता है। भरत जी के लिए गोस्वामी जी ने चरण का उपमा कमल का नहीं किया कि भगवान के चरण उन्हें प्रिय हैं और उन भगवान के चरणों के नीचे रहने वाले चरण पादुका को उन्होंने सर पे धारण किया है। तो भगवान के कमल के समान चरण को उन्होंने मस्तक पर धारण किया। गोस्वामी जी कैसे भूल करते कि भगवान के चरणों की उपमा उनके सबसे प्रिय अतिशय आत्मीय भक्त अनुज भ्राता भरत जी के चरणों की उपमा थे। इसलिए हनुमान जी की उपमा और भरत जी के चरणों की उपमा गोस्वामी जी नहीं करते हैं। चलिए ये कुछ कुछ विशेष भाव मानस में छिपे हैं, और भी आगे की वंदना, बहुत सारी वंदना है। सब लोग कुछ कुछ शब्दों को मात्र देखेंगे, जानेंगे प्रभु श्री सीताराम जी इस संसार में कैसे हैं, किस रूप में हैं। तो कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न, बंदों सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अर्थात जल और लहर को क्या अलग किया जा सकता है? नहीं। समुद्र में, नदी में जल और तरंग को अलग किया जा सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार गिरा यानी शब्द को, अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों परस्पर एक हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री सीताराम जी भी परस्पर एक हैं, एक रूप में हैं। और साथ ही साथ आगे इस वंदना के क्रम में गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण वंदना करते हैं, उस वंदना की ओर हम आप बढ़ेंगे कि बंदों नाम राम रघुवर को, भगवान के नाम की वंदना आगे करते हैं। कहते हैं हे तु कृषानु भानु हिमकर को, अर्थात भगवान का पावन नाम, के पावन नाम में तीन चीज है, कृषानु भानु यानी सूर्य, अग्नि और चंद्रमा, ये तीनों प्रभु श्री राम के नाम में छिपे हैं। चलिए एक छोटा सा भजन का हम आप आनंद लेंगे, चूँकि कुछ कुछ भाव जो इस तीनों शब्दों के हैं हम आप जान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई नाम भजन, हरे राम हरे राम, ये नाम भजन है और आप लोग भी हाजिरी देंगे अपने लिए, मीठी मीठी ताली बजाकर जरूर भजन में हाजिरी अपनी लगाएंगे, सभी जो भी बैठे यहाँ पे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
चुका। अगर आपको दोनों हाथ मिला है ना, भगवान ने दो हाथ दिया है, दिया है कि नहीं दिया है बताइए। अगर दिया है तो इसका उपयोग दोनों हाथ जरा उठा। उधर कुर्सी वाले भैया को शायद नहीं दिया है, इधर माताएं पीछे भी आप लोग हैं, दोनों हाथ उठा कर बड़ा प्रेम से। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मिठी मिठी गाली बजनी चाहिए। राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मीठी मीठी आदि बजनी चाहिए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 एक बार हम चाहेंगे फिर से आप लोग दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली जरूर बजाएं। आप लोग थक जाते हैं, क्या बात है, इतनी जल्दी थक जाते हैं भगवान के नाम में। राम नाम कितना प्यारा है कि नहीं, प्यारा नाम में आप अपना हाजिरी नहीं लगाएं तो अच्छी बात नहीं है। एकदम मीठी मीठी प्रेम से ताली बजाते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे गुरुजी भी कहते हैं राम नाम लेने से आपने जितना भी पाप किया है, जितना भी पाप किया है, स्वयं आप पूजा करते हैं आप बाबा भोलेनाथ का, वरुणेश्वर महादेव का, वो भी राम नाम ही लेते हैं, तो समझिए कि कितना प्यारा ये नाम है। राम नाम राम नाम कितना छोटा था, बड़ा बड़ा काम आप लोग करते हैं, एक छोटा सा राम नाम ये नहीं हो पा रहा आपसे। हम चाहेंगे आप भी साथ में गाएं। हरे राम मीठी मीठी ताली बजा कर, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
हरे राम हरे राम जय हो राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 बोली राजा राम जी सरकार की जय बोली बाबा भोलेनाथ की जय बोली स्वामी जी महाराज की जय भगवान के नामों की उपमा तीन चीज़ों से दी गई है इसे हम आप जान लें और साथ ही साथ नाम की चर्चा के साथ साथ फिर हम आप भगवान की पावन आरती में जाएंगे फिर हम आप सब कलाकार बंधुओं के भजन का आनंद लेते रहेंगे जितनी देर भगवान की इच्छा होगी। इसमें बताया गया कहा गया है गोस्वामी जी के द्वारा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के नाम की वंदना हम करते हैं प्रभु श्री राम के नाम की वंदना कहते हैं वो कैसे हैं तो कहते हैं कृषाणु यानी उसमें रकार अग्नि है अग्नि बीज है रकार और कहते हैं गोस्वामी जी की अग्नि जिस प्रकार सभी चीज़ों को जला डालती है गंदे चीज़ों को अच्छे चीज़ों को अग्नि जिसमें पकड़ लेता है तो वो फिर जलने लगता ठीक उसी प्रकार जीवों के हृदय में जो मल विकार मनोविक्षेप रहता है उसे रकार का राम शब्द का रकार चला देता है। दूसरी बात जैसे अग्नि कहीं जलने लगे अंधेरी रात में तो फिर प्रकाश फैल जाता है ठीक उसी प्रकार राम का रकार जब उच्चारण करते हैं तो चित्त का अंधेरा दूर होता है प्रकाश फैलता है। फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं इस अग्नि का और कार्य क्या है अनेक कार्य हैं जिससे भोजन पकने में अग्नि ही सिद्ध करती है चाहे लकड़ी का अग्नि हो कोयले का अग्नि हो हम आप किरासन तेल पेट्रोल डीजल आदि का अग्नि हो या आज के युग में गैस की अग्नि हो है तो उसमें अग्नि तो वही सिद्ध करती पवित्र करती है। जिस प्रकार किसी वस्तु को अग्नि तत्व सिद्ध करता है ठीक उसी प्रकार राम का रकार शब्द जीवों को शुद्ध भी करता है और सिद्ध भी करता है। ये विशेषता आगे कहते हैं भानु सूर्य से सूर्य भी गोस्वामी जी कहीं संकेत मानस में ही किए हैं एक जगह कि भानु कृषाणु सर्वरस का ही तिनकहु दोष देत को नाही अग्नि और सूर्य सारे रसों का भक्षण करते लेकिन दोष नहीं देते। सूर्य जिस प्रकार प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर देता है ठीक उसी प्रकार राम में आकार जो है वो सूर्य है आदित्य है और वो प्रकाश सबको मिलता है। कहते हैं जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी पर से यानी जहाँ कुछ कुछ गंदगी भी हो गंदगी भरा जल हो कीचड़ हो अन्य चीज हो जब सूर्य का ताप पड़ता है तो वो विकार उसके दूर हो जाते हैं
ठीक उसी प्रकार आकार शब्द मनुष्य के जीवों के सारी दोषों को, सारे उसके दुर्वास को दूर करता है। और सूर्य जिस प्रकार प्रकाश देता है, सूर्य में ऊर्जा भी है। आज सौर ऊर्जा के द्वारा कितने कितने उपयोग हो रहे हैं, यानी सूर्य में ऊर्जा भी है। इसलिए सूर्य हमारे आपके जीवन में एक ऊर्जा, एक प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए छठ आदि व्रत में तो हम आप ये लाभ लेते, भगवान भी स्वयं सूर्य कुल में आते हैं। यहाँ आगे वर्णन है, तीनों हिसाब का वर्णन है। तात्पर्य है, कृषाणु शब्द है, मानिए एक दृष्टि से वह मिथिला का प्रतीक है, कृषाणु तत्व, अग्नि तत्व। फिर सूर्य कुल में भगवान श्री राम है, ये दो कुल हैं। यानी भगवान का एक सीता का, जगत जननी का कुल, एक प्रभु श्री राम का कुल। तीसरा शब्द है हिमकर, यानी चंद्रमा, यह भक्त जनों का कुल है। यानी प्रभु श्री सीताराम उस भाव में आ जाते हैं। तीसरा कि हिमकर मन चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत है, मकार शब्द अमृत प्रदान करता है। यानी चंद्रमा में अमृत है, मकार भी राम का अमृत प्रदान करता है। साथ ही साथ जिस प्रकार चंद्रमा से किसी को लू नहीं लगता, वैसे ही मकार का मोह शब्द व्यक्ति के मानस को, मस्तिष्क को शीतल करता है और वो जीवन का अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार ये चंद्र के उपयोग, साथ ही साथ इनमें मन चित्त बुद्धि, ये तीनों चीज है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, भानु चित्त का प्रतीक है, और कृषाणु बुद्धि तत्व का प्रतीक है। चलिए आगे गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण बात कहते हैं इस दोहे में, एक एक पंक्ति में इतने गहरे भाव हैं। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम में तीन शब्द है, उसका रकार ब्रह्मा है, उसका रकार ब्रह्मा जी है, अकार भगवान विष्णु है, और फिर मकार महेश जी है। हर विधि हरि हर यानी महेश जी है, ये तीनों मिले हुए हैं भगवान के पावन नाम में। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी। ब्रह्मा सृजन करते, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान महेश संहार करते हैं। इस प्रकार ये तीनों देवों से का जो संयुक्त बीज है वो भगवान का राम है। साथ ही साथ आगे कहते हैं वेद प्राण सो, तीनों वेद हैं इस नाम में। रकार, रकार में ऋग्वेद है, रकार में ऋग्वेद है। ऋग्वेद का मंत्र भी शुरू होता है अग्नि मिले पुरोहिता, यानी अग्नि शब्द से, रकार से। फिर यजुर्वेद का जो मंत्र है वो सूर्य बीज से शुरू होता है, भानु बीज से। फिर मकार जो है वो साम वेद से, चूँकि मकार में अनुनासिक स्वर है और साथ ही साथ उसका उच्चारण लोग देर तक करते हैं, वैसे ही सामवेदी लोग साम वेद का जो उच्चारण होता है वो दीर्घ अंतराल में होता है। साथ ही साथ अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण मना हुआ जिसमें कोई गुण नहीं है। साधारणतया इसका लोग अर्थ लगाते हैं, फिर अनुपम, फिर गुण निधान सो। लेकिन जब हम आप इस पर चिंतन करें, विचार करें, तो ऐसा लगता है ओ का अर्थ अधिकाधिक जगहों पर निषेधात्मक आया है, आध्यात्मिक साहित्य में, स्तोत्र साहित्य में, और कुछ कुछ जगहों पर इसका अलग भाव है।
निर्गुण का अर्थ लोग लगाते हैं गुण रहित, भगवान में कोई गुण नहीं है, लेकिन वहाँ निःशब्द वो उपसर्ग केवल इस रूप में नहीं है कि जहाँ हम आप लगा लेते हैं उसका अर्थ, वहाँ है निर्विशेष गुण, ऐसा गुण जो अत्यंत विराट रूप में प्राप्त है। इसलिए कहते हैं अगुण अतिशय गुण, यानी भगवान के रकार में एक दो गुण नहीं है, अतिशय गुण है। और आकार क्या है तो अनुपम, वो अनुपम है, उसके जैसा और कोई दूसरा भाव नहीं है। तीसरे मकार में कहते हैं गुण निधान सो, मकार तो गुणों का खान है, समूह है। चलिए भगवान के इस पावन नाम का जप भगवान शिव स्वयं करते हैं, स्वयं साथ ही साथ गणेश जी इस नाम को जप करके विश्व बंदी हुए। चूँकि यह विषय इस हिसाब से जो बालकांड का कुछ प्रसंग है, यानी याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद के पहले, सती प्रसंग के पहले, वो गोस्वामी जी की बिल्कुल अपनी मौलिक विराट परिकल्पना है, और इसमें समस्त शास्त्रों के सारे भाव निचोड़ हैं। कथा में तो गोस्वामी जी ने विविध ग्रंथों का सहारा लिया है मानस में, लेकिन इसमें अधिकाधिक मौलिकता भी मानस में गोस्वामी जी की है, जिसमें यह भाग प्रसंग तो विशुद्ध मौलिक है। इसलिए तात्पर्य हुआ कि राम नाम ऐसे नहीं कहा गया सबको लेने के लिए, इसमें कितने कितने गुण हैं जो लोग नहीं जानते, वो कहते हैं कि राम ताम क्या कहेंगे, है ना। कुछ लोग कहते कि राम ताम कहने का उम्र होता है, जब बिल्कुल अस्थिर अवस्था की ओर वृद्धावस्था की ओर जाएंगे तो फिर ये कहा जाएगा। चलिए भगवान का पावन नाम शुद्ध है, पवित्र है, वही इस मानस की पूंजी है। हम आप नाम लेंगे एक बार भगवान का नाम, फिर भगवान की पावन आरती, फिर हम आप भजन का आनंद लेते चलेंगे समयानुसार। चूँकि बहुत सारे भक्तजन दूर दराज से भी हैं, जितना जितना आनंद बढ़ता जाएगा हम आप सब लोग आनंद अधिकाधिक लेते जाएंगे। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, रामा रामा राजा राम राम राम, सीता रामा 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 राजा राम राम राम, सीता रामा 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 राजा राम राम राम, सीता रामा 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 राजा राम। भगवान की आरती हो रही है, आरती का ये पेज शायद किसी के पास होगा, जहाँ है कुछ कुछ भक्तों में उसे वितरित कर दें। आ
आरती की जय श्री रघुवर की 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 सतचित आनंद सतचित आनंद सीतावर की सतचित आनंद सीतावर की दशरथ तनय कौशल्यानंदन दशरथ तनय कौशल्यानंदन सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन अनुगत भक्त भक्त अनुगत भक्त भक्त उर चंदन अनुगत भक्त भक्त चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की मर्यादा पुरुषोत्तम वर की आरती की जय श्री रघुवर की आरती की जय श्री रघुवर की निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि सकल लोक वर्णित विभिन्न विधि सकल लोक हरण शोक भयदायक सब सिद्धि शोक भगवान माया रहित दिव्य नरवर की माया रहित दिव्य नरवर की आरती की जय श्री रघुवर की आरती की जय श्री रघुवर की जानकीपति जगपति सुराधि भी जानकीपति जगपति सुराधिपति अखिल लोक पालक त्रिलोक गति अखिल लोक पालक त्रिलोक गति विश्वबंध अनबाध्य अमित मति विश्वबंध अनबंध अमित मति एकमात्र गति सचराचर की एकमात्र गति सचराचर की आरती की जय श्री रघुवर की आरती की जय श्री रघुवर की शरणागत वत्सल भयहारी शरणागत वत्सल भयहारी शरणागत वत्सल व्रतधारी शरणागत वत्सल भयहारी भक्त कल्प तरु वर असुरारी भक्त कल्प तरु वर असुरारी नाम लेत जग पावनकारी नाम लेत जग पावनकारी सीता राम की दुख हर की सीता राम की दुख हर की आरती की जय श्री रघुवर 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 की आ
रघुवर की आरती की जय श्री रघुवर की आरती की जय श्री रघुवर की बोलिए राजा राम जी सरकार की जय। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। बोलिए बाबा परमेश्वर महादेव की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए आज की समैया की जय। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।